Hello friends. So today we are going to start with the seventh chapter of the book India's Ancient Past by R.S. Sharma. The chapter is Human Evolution, the Old Stone Age. तो जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है African Ancestors of Human Beings, यानी मनुष्य के अफ्रीकी पूर्वज. ये धरती लगभग 4600 मिलियन साल पुरानी है. करोड़ में बोले तो 460 करोड़ साल पुरानी है. और इसके क्रस्ट का जो एवोल्यूशन है, क्रस्ट मतलब वो एरिया जहाँ हम रहते हैं, उसके एवोल्यूशन को चार भागों में बांटा गया है. यानी वो कैसे अपने प्रेजेंट स्टेज पर पहुँची शुरुआत से लेकर अभी तक. चौथे पार्ट को बोलते हैं क्वाटर्नरी. इस चौथे पार्ट को फिर से दो युगों में बांटा गया है, इपोचेस. पहला है प्लाइस्टोसीन यानी आइस एज, हिम युग, जहाँ बर्फ ही बर्फ था. और दूसरा है होलोसीन यानी पोस्ट आइस एज, हिम युग के बाद का समय. ये हम बात कर रहे हैं क्वाटर्नरी के दो इपोचेस की, दो युगों की. तो जो पहला युग था यानी आइस एज, वो ईसा पूर्व 2 मिलियन साल से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक था. यानी ईसवी की शुरुआत से पीछे जाएं तो 2 मिलियन साल यानी 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक था. और दूसरा युग शुरू होता है 12,000 साल ईसा पूर्व से और आज तक वही चल रहा है. यानी हम अभी होलोसीन में जी रहे हैं, पोस्ट आइस एज. हालांकि धरती पर जीवन लगभग 3500 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन तब ज़्यादातर पौधे और जानवर ही थे कई सहस्राब्दियों तक, यानी कई हजारों सालों तक. मनुष्य इस धरती पर प्री प्लाइटोसीन और अर्ली प्लाइटोसीन में आया. प्लाइटोसीन मतलब हिमयुग, आइस एज यानी आइस एज की शुरुआत से पहले, और आइस एज की शुरुआत के समय मनुष्य इस धरती पर आया ऐसा माना जाता है. लगभग 6 मिलियन साल पहले यानी 60 लाख साल पहले मनुष्यों की कई तरह की प्रजातियां, जिन्हें होमिनिड्स कहते हैं, वो अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी भागों में रहते थे. जो शुरुआती इंसान थे वो एप्स यानी वानरों से बहुत ज़्यादा अलग नहीं थे, और ये मनुष्य 30 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए, यानी 3 करोड़ साल पहले. उसके बाद एक प्राणी आया, ऑस्ट्रालोपिथेकस, और इसे मनुष्य बनने की लाइन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है. फ्रेंड्स, ऐसे टर्म्स का प्रोनंसिएशन हमेशा पार्ट्स में याद रखिए. ऑस्ट्रालोपिथेकस, ओके. सो ऑस्ट्रालोपिथेकस एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब है दक्षिणी वानर, क्योंकि इनमें बंदरों के गुण थे और अफ्रीका के दक्षिणी भाग में मिलते थे. इस प्रजाति में वानर और मनुष्य दोनों के गुण थे, और इसका ओरिजिन हुआ लगभग 5.5 से 1.5 मिलियन साल पहले. इस प्राणी की क्या खासियत थी कि ये बाइपेडल था, यानी दोनों पैरों पे चलता था. जैसा कि अभी हमने देखा कि इसमें मनुष्य के गुण थे, और मनुष्य 2 पैरों पे चलता है जबकि ज्यादातर जानवर 4 पैरों पे. एंड ही वाज पॉट बेलीड. आपने अगर कोई पुरानी पिक्चर देखी हो इनिशियल ह्यूमंस की, तो आप देखेंगे उस समय इंसान का पेट बहुत बड़ा गोल सा होता था, ठीक है. पॉट बेलीड यानी पूरा गोल पेट होता था, जैसे हम लोगों का सपाट होता है वैसा नहीं होता, यानी एक बड़ा सा गोल पेट होता था. और ब्रेन केस काफी छोटा था, विच वॉज 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ओनली. आज के समय में एक एवरेज ह्यूमन का ब्रेन केस लगभग 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1400 cc माना जाता है. ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में ऐसे कई एलिमेंट मिले हैं जो ह्यूमन बींग्स या होमोज यानी इंसानों के जैसे पाए गए हैं. तो जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन होती है, ह्यूमंस हिस्सा है होमिनिड लाइन का, जबकि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हिस्सा है प्री ह्यूमन होमिनिड्स का, यानी इंसान बनने से पहले के जो होमिनिड्स थे, ओके, उसका हिस्सा है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस. इसीलिए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को प्रोटो ह्यूमन भी कहते हैं, यानी इंसान के जैसा. तो ह्यूमंस आते हैं होमिनिड लाइन से, और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था प्री ह्यूमन होमिनिड से. जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ह्यूमन था यानी होमो था, उसका नाम था होमो हैबिलिस.
जो पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में मिलता था लगभग 2 से 1.5 मिलियन साल पहले, यानी लगभग 20 से 15 लाख साल पहले। होमो हैबिलिस का मतलब है हैंडी या स्किलफुल मैन, यानी दक्ष व्यक्ति, यानी जिसमें कुछ स्किल्स हैं, जो कुछ काम कर सकता है, उसे कहते हैं होमो हैबिलिस। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो पहला मनुष्य था जिसने पत्थर को टुकड़ों में तोड़ा और उनका इस्तेमाल अपने औजारों को तेज करने में किया। सो इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन जिसने इस तरह के स्किल्स दिखाए। पत्थरों के टूटे हुए टुकड़े उन्हीं जगहों पर मिले हैं जहां होमो हैबिलिस की हड्डियां मिली हैं। इस प्राणी का ब्रेन केस लाइटली बिल्ट था, जो था 500 से 700 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है होमो इरेक्टस, दूसरा इंपॉर्टेंट ह्यूमन। ये था लगभग 1.8 से 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। इसे होमो इरेक्टस नाम दिया गया क्योंकि ये इरेक्ट या अपराइट मैन था, सीधा चलने वाला, यानी सीधा खड़ा होने वाला। इस मनुष्य की जो खोपड़ी थी वो बहुत मजबूत, स्ट्रांगली बिल्ट थी, और इसका ब्रेन केस 800 से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर्स था। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा है, ब्रेन केस बढ़ रहा है। होमो इरेक्टस के पास बहुत नए किस्म के पत्थर के औजार मिले हैं, और इनमें से हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी को सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव माना जाता है, सबसे अलग यही था। ऐसा विश्वास है कि होमो इरेक्टस लोगों को आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना आता था, और इस आग का इस्तेमाल वो ठंडे वातावरण में खुद को गर्म रखने के लिए और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। होमो हैबिलिस के विपरीत होमो इरेक्टस ने काफी दूर दूर तक की यात्राएं की, क्योंकि इनके अवशेष सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि चाइना, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक भी मिले हैं। द थर्ड ह्यूमन दैट वी इनकाउंटर इज होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति। हमारी प्रजाति भी, यानी अभी हम जो प्रेजेंट ह्यूमन है, वो होमो सेपियंस से इवॉल्व हुए हैं, होमो सेपियंस से ही आए हैं। ये काफी कुछ पश्चिमी जर्मनी में पाए गए नियंडरथल मानव जैसा लगता है, जो लगभग 2,30,000 साल पहले से 30,000 साल पहले तक थे। होमो सेपियंस की बॉडी छोटी थी और इनका फोरहेड बहुत नैरो था, यानी माथा बहुत संकरा था, बहुत छोटा था, पर इनका ब्रेन केस था 1200 से 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसीलिए इनका नाम होमो सेपियंस रखा गया, जिसका मतलब है वाइज मैन। हो सकता है इस प्रजाति का उद्भव यूरोप में हुआ हो, लेकिन नियंडरथल के अवशेष पूर्वी भाग में और पुरानी दुनिया में भी मिले हैं। जो फुल फ्लेजेड मॉडर्न मैन है, यानी हम लोग, आजकल के मनुष्य, उन्हें कहा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस, दो बार सेपियंस। और इनकी उत्पत्ति हुई थी लगभग 1,15,000 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में, लेट स्टोन एज में, जिसे कहा जाता है अपर पैलोलिथिक। स्टोन एज मतलब पाषाण युग, जहां पत्थरों का ही मेनली यूज होता था। दूसरे होमिनिड स्पीशीज जो इससे पहले आए थे, इनका फोरहेड यानी माथा चौड़ा होता है और हड्डियां पतली होती हैं। इस मॉडर्न मैन ने कई तरह के पत्थर के औजार बनाए थे, पर ये बात अभी तक साफ नहीं है कि क्या ये बोलने के काबिल था। अभी तक ये माना जाता था कि भाषा की उत्पत्ति 35,000 ईसा पूर्व हुई है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भाषा की उत्पत्ति 50,000 साल ईसा पूर्व हुई थी। हालांकि होमो सेपियंस सेपियंस यानी प्रेजेंट मैन, इसका ब्रेन केस 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स तक था, और इसी कारण से मॉडर्न ह्यूमन काफी अच्छे से काम कर सकता था अपने और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज भी कर सकता था। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव विद अस, द अर्ली मैन इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में सबसे शुरुआती मनुष्य कौन थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया और इसके आसपास के देशों को मिलाकर ये जो एरिया है, वहां पर बहुत थोड़े ही फॉसिल्स मिले हैं जो ह्यूमन एवोल्यूशन की जानकारी देते हैं। कुछ बहुत शुरुआती स्कल फॉसिल्स यानी खोपड़ी के फॉसिल्स
शिवालिक हिल्स में मिले हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये स्कल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के पोटवार प्लाट्यू, पोटवार पठार पे मिले हैं, जो सैंडस्टोन पे डेवलप हुए हैं। इन स्कल्स के नाम हैं रामा पिथेकस एंड शिवा पिथेकस। हालांकि ये वानरों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनमें कुछ होमिनिड यानी मनुष्य के फीचर्स भी हैं। रामा पिथेकस फीमेल थी, यानी जो रामा पिथेकस का फॉसिल मिला है वो किसी फीमेल का था, ऑल्दो वो इसी ग्रुप से ही थी। इस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रीस में मिला है, जो माना जाता है कि लगभग 10 मिलियन साल पहले का है, यानी 1 करोड़ साल पहले का। इस फैक्ट को हम रामा पिथेकस और शिवा पिथेकस की डेटिंग के लिए, यानी वो कितने समय पुराने हैं, इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इन खोपड़ियों को 2.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड ही माना जाता है। ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले हैं जिससे ये पता लगे कि ये स्पीशीज सब कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट्स में फैले थे। ऐसा माना जाता है शिवालिक कैटेगरी के जो इंसान थे वो सब कॉन्टिनेंट में ही रह गए और बाद में एक्सटिंक्ट हो गए, यानी विलुप्त हो गए, आगे और डिवेलप नहीं हुए। एक पूरा होमिनिड स्कल, इंसानी खोपड़ी, 1982 में मध्य प्रदेश के हथनोड़ा के नर्मदा की मध्य घाटी में मिली है। इसे होमो इरेक्टस या अपराइट ह्यूमन का स्कल माना गया था, यानी जो सीधा चलता था, लेकिन बाद में एनाटॉमिकल एनालिसिस से पता चला कि ये होमो सेपियंस था। इसके अलावा अभी तक होमो सेपियंस के अवशेष इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कहीं नहीं मिले। हालांकि श्रीलंका में एक फुल फ्लेजेड मॉडर्न मैन का अवशेष मिला है, यानी होमो सेपियंस सेपियंस का। इस जगह का नाम है फा येन, श्रीलंका में है, और ये फॉसिल लगभग 34,000 साल पुराना है, और ये मेनली हंटिंग यानी शिकार और फोरेजिंग यानी घुमक्कड़ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लेट प्लाइटोसीन और अर्ली होलोसीन पीरियड को रिप्रेजेंट करता है श्रीलंका में। लेट प्लाइटोसीन यानी हिमयुग का अंत होने को, और अर्ली होलोसीन यानी पोस्ट आइस एज की शुरुआत को। फाइन केव्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे शुरुआती अपर पैलोलिथिक साइट मानी जाती है। हम अभी पैलोलिथिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनकी जो कलाकृतियां मिली हैं, आर्टिफैक्ट्स, वो लगभग 31,000 साल पुरानी है, और मॉडर्न ह्यूमन यानी आज के मनुष्य को 34,000 साल पुराना माना जाता है। और ये मॉडर्न ह्यूमन इंडिया में दक्षिण से आया था, लगभग 50,000 साल पहले अफ्रीका से, यानी तटीय भागों से, दक्षिण से भारत में प्रवेश किया था। ये नॉर्थ यानी उत्तर से था हमारा लेक्चर ह्यूमन एवोल्यूशन ओल्ड स्टोन एज पे। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।